जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैदान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब अजय देवगन की मूवी है, काफी अच्छे रिव्यूज भी आए इसके, और उसके बाद में पब्लिक का इस मूवी को देखने ना जाना। अब या तो ये आईपीएल के कारण हो रहा है, या फिर अभी अप्रैल में बच्चों के स्कूल दोबारा खुल चुके हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भैया मूवी चल क्यों नहीं रही है। या तो लोगों को वाकई में ये मूवी पसंद नहीं आ रही है, या फिर इस तरह का स्पोर्ट्स ड्रामा फुटबॉल को लेकर लोग पहले भी देख चुके हैं। अमिताभ बच्चन की झुंड आई थी, हालांकि वो भी उतना अच्छा चली नहीं थी, बट बता रहे हैं कि भाई ये मूवी कुछ कुछ वैसी ही है, इसीलिए भी लोग इस मूवी को देखने जाना उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कलेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, वो कलेक्शन इसी बात की गवाही दे रहा है कि यार यहाँ पर थिएटर्स में इसको उतनी जगह नहीं दे रहे हैं थिएटर्स में पब्लिक की, भैया हाँ हम इस मूवी को देखें। अगर हम लोग शोज की बात करें तो ऑलमोस्ट 7,000 शोज इसके समय पूरे देश भर में चल रहे हैं। इसके साथ में क्लैश में रिलीज हुई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसको कि 9,500 शोज मिले, बट उसमें फिर अदर लैंग्वेजेस भी शामिल है थोड़ी बहुत। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैदान का जो पहले दिन का कलेक्शन था, जिसको कि डे जीरो कहा जा रहा है, वो 2.6 करोड़ आया था, और डे वन का जो फाइनल कलेक्शन निकल कर आया है वो 4.5 करोड़ ही कलेक्शन निकल कर आया है। ऐसे में इसका टोटल कलेक्शन जो पहले दिन का पहुंचा है, एक तरह से 7.1 करोड़ रुपीज पहुंच गया। इसमें जो पहले दिन का पेपर व्यू वाला ऑप्शन था वो भी शामिल है। अब 7.1 करोड़ का जो कलेक्शन है वो 90 करोड़ रुपए के बजट के सामने कहीं से कहीं तक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जस्टिफाई कर रहा है। मतलब मुश्किल 10% भी नहीं हो पाया है दो दिनों में कायदे से इसका कलेक्शन। मेकर्स हालांकि इस बात को लेकर काफी ज्यादा डैम श्योर है कि ये मूवी बढ़िया काम करने वाली है, बट फिलहाल तो देखकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मूवी कैसे चलेगी। स्पोर्ट्स ड्रामा की अगर हम लोग बात करें तो भारत में बिल्कुल इन मूवीज को लेकर काफी पसंद किया जाता है, लेकिन अभी मिताली राज के ऊपर बनी हुई शाबाश मिट्ठू, साइना नेहवाल के ऊपर जो मूवी बनी थी वो, इसके अलावा मैदान की अगर हम बात कर लें तो देखिए पिछले कुछ समय में स्पोर्ट्स ड्रामा को लेकर पब्लिक के बीच में उतना एंथुजियाज्म देखने के लिए मिला नहीं। ये कहें कि स्पोर्ट्स ड्रामा टाइप की जो मूवीज होती हैं उनको ओटीटी के ऊपर काफी पसंद किया जाता है। मतलब शाबाश मिट्ठू में तापसी पन्नू ने मिताली राज का किरदार निभाया था, और जब वो मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई तब तापसी पन्नू ने कहा था कि लोगों को उसका काफी प्यार मिल रहा है, लोगों को काफी पसंद आ रही है मूवी। तो हो सकता है कि लोगों को अब थिएटर में जाकर स्पोर्ट्स ड्रामा देखना पसंद ना हो, ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरे दिन की अगर हम लोग एडवांस बुकिंग की बात करें तो मैदान की दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया 7,000 करीब इसके शोज हैं और करीब 26,000 इसके टिकट बिके हैं, और टोटल कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मात्र 56 लाख रुपए इसका दूसरे दिन का कलेक्शन हुआ है। ऐसे में जो 1.5 करोड़ की हम लोग आज कलेक्शन की बात कर रहे हैं वो तो शायद और भी ज्यादा नीचे जा सकता है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। क्योंकि मतलब आप देखिए ना, स्कोप नहीं है भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या होना है। कलेक्शन की बात करें तो अभी तक 55 लाख रुपए का कलेक्शन इसका दूसरे दिन का हुआ, जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसका कलेक्शन भी आज काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। बमुश्किल 2-2.5 करोड़ रुपए से कलेक्शन पहुंच जाए सेकेंड डे का तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में तो इस मूवी की ग्रोथ जो है बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रही है। कलेक्शन जब ऐसे निकल कर आते हैं मूवीज के तो लगता है कि वाकई में यार क्या वाकई में इनसे कुछ गलती हुई। क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई मैदान जो है वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को पछाड़ देगी, बहुत अच्छी बनी है, बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। पछाड़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर इसके कलेक्शन को ही बीट कर दे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि मैदान के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि अजय देवगन काफी सुर्खियों में है शैतान को लेकर, तो इसीलिए भी एक पॉजिटिव फीलिंग बनती है मूवी को लेकर, लेकिन फिलहाल ये चीज यहाँ पर अब फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करें कि भैया इसकी पहले दिन की ऑक्यूपेंसी कितनी रही थी, तो 14% मात्र इसकी पहले दिन की ऑक्यूपेंसी रही थी ईद के दिन। इसमें मॉर्निंग शोज में 9.9%, आफ्टरनून शोज में 16.6, इवनिंग शोज में 16.8, और नाइट शोज में और गिर गई थी 14.78%। अब देखिए छुट्टी के मौके पर रिलीज हुई मूवी के जब ऑक्यूपेंसी रेट इतने कम जाते हैं तो जाहिर सी बात है हर कोई यही सोचता है कि यार आखिर इस मूवी के साथ में समस्या क्या हुई होगी, और यहां पर वही चीज लोगों के दिमाग में घुस नहीं पा रही है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल, जय हिंद जय भारत।